पीछे से उन्होंने मुझे माँ की गाली दी और मुझे बोला कि तू यहाँ आई क्यों थी अगर तुझे जाना है। मैंने कहा सर मेरा टाइम 1.5 घंटे का था। ऑर्गेनाइजर को भी उसने गाली दी, काम वालों से कह रहा है इन्हें निकालो बाहर, यहाँ से ये नहीं गाएंगे, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा, मुझे जेल में डालने की उसने धमकी दी। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ? योगी की सरकार में आम कलाकार सुरक्षित नहीं है, मैं औरत हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। हमने एक बार आपसे कहा इसको गाइए तो आपने गा दिया, फिर कुछ और तो कुछ गाइए, इनको बच्चों को समझाइए। आप मुझे आदेश दीजिए, जो आप आदेश क्या करें आपको, जो भजन आपने बोला मैं वही गा रहा हूं। नहीं, वो हमने बताया था आपको, मेरे बच्चा पूछा कि इन जनाब को जरा ध्यान से देखिएगा, कहने को इन्हें जनता की सेवा करने के लिए चुना गया है, लेकिन ये असल में क्या कर रहे हैं? ये जनाब स्टेज पर चढ़कर अपनी फरमाइश का गाना सुनना चाहते हैं। अब जरा इनके चेहरे पर नजर डालिए, दुनिया कोरोना से जूझ रही है, डर रही है, लेकिन कोरोना की क्या मजाल जो यूपी पुलिस के ऐसे जाबाज सिपाही तक पहुंच सके। तभी तो साहब बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। पूरा मामला क्या है चलिए आपको समझा देते हैं। दरअसल एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने गई बरेली की भजन गायिका खुशबू शांडिल उर्फ खुशबू राधा ने यह आरोप लगाया कि थाना अलीगंज के ज्ञान चौकी इंचार्ज ने कथित रूप से शराब के नशे में मंच पर चढ़कर उनसे गाली गलौज की है। पीड़ित गायिका ने सोशल मीडिया के जरिए रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई। आज यहाँ पे ज्ञानी के पास एक गाँव है सदनापुर, सुदनपुर, यहाँ पे जागरण था, प्रकाश जागरण पार्टी का, जिसमे मेरी एंट्री लगनी थी 11:15 बजे। मैं बरेली से यहाँ एंट्री लगाने आई, मेरा प्रोग्राम चल रहा था, उसी बीच में यहाँ के चौकी इंचार्ज विक्रम जिनका नाम है, वो नशे में धुत थे, अपने 2-3 कांस्टेबल के साथ वो पंडाल में आए। पहले तो उन्होंने जितने भी वहाँ पे लड़के बच्चे बैठे हुए थे सबको डंडियों से लाठी से मारना शुरू किया, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। मैंने थोड़ी देर के लिए भजन रोक दिया, जब वो पीट रहे थे मैं भी सत्ते में आ गया, मैंने थोड़ी देर के लिए भजन रोक दिया। उसके बाद वो मेरे पास आए, मेरे हाथ से माइक छीन लिया उन्होंने और सब लोगों को धमकाने लगे, तमीज सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो। खैर मैं सुनती रही, फिर वो जब चले गए तो ऑर्गेनाइजर ने मुझसे कहा भजन गाइए। मैंने फिर से भजन शुरू किया तो उन्होंने दूर खड़े होकर, वो सुन रहे थे, उन्होंने मुझे जो है पर्ची भिजवाई कि आप जो है मेरी पसंद का भजन गाएंगी कि किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। मैंने वो भजन उनका शुरू किया, जैसे ही मैंने भजन शुरू किया बीच में आए और मेरे हाथ से उन्होंने माइक छीना और माइक छीन के कहने लगे कि तुझे कुछ नहीं आता, क्या करने आई है तू यहाँ पे। वहाँ के मेहनती जी भी दूर खड़े हुए थे, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप इस कलाकार से कैसी बात कर रहे हैं। मैंने अपने ठाकुर जी को उठाया और मैं चल दी तो पीछे से उन्होंने मुझे माँ की गाली दी और मुझे बोला तू यहाँ आई क्यों थी। आप ये बताइए हम भजन कीर्तन करने वाले, क्या पुलिस हमें माँ बहन की गालियाँ देगी? मुझे इस तरह की भाषा का प्रयोग, मुझे बोला उसने कि को यहाँ बुलाया किसने, अगर ये मेरे लिए 2 घंटे इसको और गाने पड़ेंगे, मैं क्या किसी पुलिस वाले के इशारे पे चलूंगी। जब मेरा टाइम 1.5 घंटे का था मैं 1.5 घंटे गा चुकी, उसके बाद वो मुझे रोक रहा है, मुझे गालियां दे रहा है। ऑर्गेनाइजर को भी उसने गाली दी, काम वालों से कह रहा है इन्हें निकालो बाहर, यहाँ से ये नहीं गाएंगे, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा, मुझे जेल में डालने की उसने धमकी दी। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ? योगी की सरकार में आम कलाकार सुरक्षित नहीं है, मैं औरत हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। आज मैं हूँ, कल को और बहन बेटियां और मेरे कलाकार भाई लोग हैं, क्या उनके साथ भी ऐसी होगा जैसे ज्ञानी के चौकी इंचार्ज ने मेरे साथ किया? फिलहाल मामले की जांच पर एसपी ग्रामीण संसार सिंह ने कहा है कि भजन गायिका से चौकी इंचार्ज द्वारा बस सलूकी करने के मामले की जाँच सीओ आंवला को सौंप दी गयी है। एक गायिका है जो भजन संध्या का कार्यक्रम करती है, तो रात में ज्ञानी कस्बा है थाना अलीगंज में, वहाँ पर एक कार्यक्रम दे रही थी, तो उनका आरोप है कि चौकी इंचार्ज जो ज्ञानी हैं वो मंच पर चढ़ गए, उनके साथ अभद्रता की, तो इसकी जांच वहाँ के क्षेत्राधिकारी आमलों को दे दी गई है, गुण दोष के आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। अब इस मामले में क्या होगा ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ऐसी घटनाओं से सवाल तो जरूर खड़े होते हैं कि जब खाकी पहनने वाले ही जनता की उम्मीदें खाक करने लगे, मदद की जगह परेशान करने लगे, तो सोचिए आलम किस कदर बिगड़ा हुआ। क्या अब हर मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा? क्या लोकल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है? क्या वो अपने अधिकारियों को नहीं संभाल सकता? ऐसी घटनाएं तो इसी तरफ इशारा करती हैं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ यूपी तक।